हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका स्वाद का मित्र, स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज हम बनाएंगे जयपुर से तैयार होने वाली और शानदार रेसिपी नरगिसी कोफ्ता करी। तो बने रहिए स्वाद के सफर में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं नरगिसी कोफ्ता बनाने की। नरगिसी कोफ्ता बनाने के लिए ये मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन का कीमा। बोनलेस चिकन के साथ में मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया को भी पीस लिया है। ये देखिए, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चिकन कीमे की, एकदम स्मूथ होना चाहिए। चिकन कीमे के अंदर डालेंगे भुना हुआ बेसन, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार जाएगा नमक और थोड़ा सा डालेंगे इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर। अब हम करेंगे हाथों का इस्तेमाल और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मसाले और बेसन को हमने कीमे के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा लेंगे ऑयल और हाथों को ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा कीमा लेंगे। थोड़े से कीमे की बैटर को लेकर उसकी बनाएंगे बॉल। अब हम करेंगे इसको फ्लैटन, अच्छी तरह से इसको टैप कर देंगे और इसको फैला लेंगे। अब हम लेंगे एक उबला हुआ अंडा, इसको रखेंगे सेंटर में और कीमे के बैटर से इसको अच्छी तरह से ढक देंगे। ये देखें कुछ इस तरह से। एक्सेस बैटर को हम रिमूव कर देंगे, इसको अच्छी तरह से ढक देंगे। जब भी आप नरगिसी कोफ्ता बनाते हैं तो ध्यान रखिए इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। ये देखिए, कुछ इसी तरह से हम बाकी के अंडे को भी हम कीमे से कवर कर देंगे और नरगिसी कोफ्ता बनाकर रख लेंगे। लोकेटेड कोफ्ते बनकर तैयार हैं। चलिए झटपट से कर लेते हैं इसको फ्राई। अब हम करेंगे मीडियम हीट ऑयल पर कोफ्ते को फ्राई। कोफ्ते को फ्राई करने के लिए हम लो टू मीडियम हीट का यूज करेंगे और कोफ्ते को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, अलटते पलटते फ्राई करेंगे। कोफ्ते को डालने के बाद में जब तक हम टच नहीं करेंगे, जब तक ये अपना स्ट्रक्चर होल्ड ना कर ले। कोफ्ते ने स्ट्रक्चर होल्ड कर लिया तो हम इसको कर देंगे फ्लिप। सावधानी के साथ में हम कोफ्ते को फ्लिप करेंगे और इसको दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसको प्लेट पर। ये देखिए शानदार कोफ्ते बनकर तैयार है, कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो चलिए अब हम तैयार करते हैं इसकी ग्रेवी। कोफ्ते फ्राई करने के बाद में कढ़ाई में से एक्सेस ऑयल को रिमूव कर लिया। अब हम डालेंगे इसमें जीरा और साथ ही डालेंगे खड़े मसाले। मसाले क्रैकल हो चुके हैं तो हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। प्याज की पेस्ट को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज का कलर बदलना स्टार्ट हो गया तो हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें 2 टमाटर का पेस्ट। अब हम डालेंगे इसमें पाउडर मसाले। पाउडर मसाले में सबसे पहले डालेंगे इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसी के साथ डालेंगे इसमें जीरा और काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर देंगे। अब हम करेंगे मसालों की भुनाई और भुनाई तब तक करेंगे जब तक कि इन मसालों के ऊपर में तेल ना छूट जाए। हमने इसमें ताजे कुटे हुए जीरे और काली मिर्च का यूज किया है, बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है उसकी। मसालों की हम अच्छी तरह से भुनाई कर चुके हैं, ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम डालेंगे इसमें 3 से 4 चम्मच फेटी हुई दही। दही को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। दही को भी इन मसालों के साथ में अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। दही को इन मसालों के साथ में हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम कर देंगे इसको कवर और लो हीट पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं तो चलिए कंडीशन चेक करते हैं। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गर्म पानी
पानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से डालिए, जितनी तरी आपको रखनी है उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद में अब हम डालेंगे इसमें ब्राउन अनियन का पेस्ट। अनियन को भी हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। ब्राउन अनियन इस करी को देगा दानेदार टेक्सचर। पानी ऐड करने के बाद में देखिए तरी में बॉईल आ गया है, तो अब हम इस पैन पर डालेंगे कोफ्ते। अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी का पाउडर। इन सभी को अच्छे तरह से कर लेंगे मिक्स। करी में पानी अब अपनी जरूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चावल के साथ में खाना है तो आप इसमें तरी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को भी अच्छे तरह से स्टिर कर लेंगे। अब हम कर देंगे इसको कवर और लो हीट पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं लो हीट पर कुकिंग होते हुए, तो चलिए कंडीशन चेक करते हैं। वाओ व्हाट अ लुक, ये देखिए नरगिसी कोफ्ता कबाब करी बनकर तैयार है। गैस ऑन कर देंगे हम ऑफ। अब हम डालेंगे इसमें होममेड खुशबूदार गरम मसाला और साथ ही डालेंगे इसमें हरी मिर्चें। अच्छी तरह से कर देंगे इसको मिक्स। नरगिसी कोफ्ता करी बनकर तैयार है, तो चलिए झटपट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। हाँ जी मेरे स्वाद के मित्रों, ये देखिए शानदार नरगिसी कोफ्ता करी बनकर तैयार है। आप इसका मजा उठा सकते हैं रोटी नान या पराठे के साथ में। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।